बहुत कम लोगों की जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब उन्हें समाज को बदलने की शक्ति सौंपी जाती है, और तुम्हें मनाने की जिम्मेदारी इस बार मेरे हिस्से में आई है। नहीं सर, आप मुझे मना नहीं रहे। सुनो, यहाँ आओ, इधर आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, बैठो। तुमने जितना गवाया है ना, उसका 20 गुना वापस आ जाएगा। एक बार सरपंच बन जाओ बस। बाबा जी, आपने देखा नहीं है, सारी पब्लिक हमारे खिलाफ है, बहुत क्रोध में है। अरे हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है, जीत तो हमारी होगी और वो पब्लिक सब हमारी जेब में होगी। मगर कैसे है? आज जो इतना सब कुछ हुआ है उसके बाद भी बेशक पैसा और डर पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हथियार है। सबसे पहले दुश्मन के बारे में सोचो, समझे? वैसे वो डॉक्टर स्नेहा माथुर का प्रचार किस तरह हो रहा है ये बताओ। बहुत अजीब है, वो अपना प्रचार खुद नहीं कर रही है बल्कि गांव वाले घूम घूम कर उसका प्रचार कर रहे हैं, और एक ठो नारा भी बनाए हैं, साथी हाथ बढ़ाना, डॉक्टर स्नेहा को जिताना। जीतेंगे तो हम ही, मगर कैसे बाबा जी? जोर जबरदस्ती से। उस स्नेहा माथुर को तो दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देंगे हम। कोई प्लान उलान है आपके पास? जब भी कुछ आड़ा टेढ़ा सोचो तो उसी कमबख्त की याद आती है। आज वो होता ना तो कुछ ना कुछ झपाक आइडिया देता। अरे कौन होता? वही दिगंबर। अरे उसका तो नाम मत लो, अगर सामने मिल गया ना तो उसका बूटी बूटी नोच लेंगे। उसने क्या बिगाड़ दिया भाई तुम्हारा? पूरे गांव में कहानी फैला रहा है कि हमारे और आपके बीच में चक्कर चल रहा है। कुछ भी, कौन बताया तुमको? वो आपका जो इलेक्शन वाला एजेंट है ना, वो कह रहा था, मैडम जी आप जो है वो गर्भ निरोधक सुई लगवा लीजिए, कहीं आपके और बाबा के बीच में कोई नई मुसीबत ना टपक पड़े। है? हमने उसके गाल पर ऐसा तमाचा रसीदा ना, बहुत बढ़िया करा। फिर जाके उसने बोला कि सारा का सारा कहानी दिगंबर का रचा हुआ है। दिगंबर, प्रण लेते हैं हम, वचन लेते हैं कि ये इलेक्शन तो हम ही जीतेंगे, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। भवानी माँ की कसम। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रताप पाणी, बुआ जी और मुन्ना की जुबानी। नमस्कार, मैं हूँ आपकी बुआ जी, आपकी सेवा में। और नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त मुन्ना, बुआ जी और आपकी सेवा में। और एक बार फिर से डॉक्टर स्नेहा का स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में, सत्य की अदालत के बारे में जानने के लिए। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। क्या आप लोग जानते हैं कि बाबा पहलवान ने कॉन्डम बाबा पर केस किया है? ओहो, यानी कि दो बाबाओं की टक्कर होगी। लेकिन डॉक्टर स्नेहा, आपको क्या लगता है कि इनमें से जीतेगा कौन? खुद ही देख लीजिए सत्य की अदालत में। बैठिए। कोंडम बाबा, ये आपका असली नाम है? जी हाँ, वैसे मैं पैदा हुआ था आनंद कुमार आनंद, यानी आनंद ही आनंद, मगर कोंडम बाबा मैंने नाम औपचारिक तौर पर अपनाया है। ओके ओके, प्रोसीड। योर ऑनर, हमारा आरोप है कि ये कोंडम बाबा कोंडम के प्रचार की आड़ में अश्लीलता फैला रहे। तो कोंडम बाबा, क्या ये सच है कि आपने कोंडम के इस्तेमाल को मस्त टोपी का नाम दिया है? बेशक। क्या ये गैर कानूनी है? बिल्कुल नहीं, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, इससे नौजवानों में मस्ती करने की उत्सुकता बढ़ती है, उनको प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल नहीं, ये प्रोत्साहन नहीं, सावधानी की घंटी है। लेकिन कॉन्डोम का इस्तेमाल ज्यादातर एक ही काम के लिए होता है, और आप
उस काम को बढ़ावा देना चाहते हैं। एक बात बताइए, किसी को काम करने से कभी कोई रोक पाया है? फिर चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो। ना हो तो कॉन्डम और जरूरी है। समस्या का हल पता ही नहीं होगा तो समाधान कैसे निकलेगा? लेकिन खुले आम कॉन्डम का प्रचार करना लोगों को उस काम का न्योता देने के बराबर है, यह अश्लीलता है। आपको दुनिया में लाने के लिए जो आपके माता पिता ने किया, क्या वो अश्लील काम नहीं था? योर ऑनर, इनसे कहें कि ये कॉन्डोम तक ही रहें, अपनी हद से आगे ना बढ़ें। ये किस तरह का सवाल है? उस तरह का जिसका जवाब देना जरूरी। योर ऑनर, मेरा प्रचार करने का ये एक अहम हिस्सा है। करनी पर बेशर्मी और उसी पर स्वास्थ्य को लेकर चर्चा करने पर बंदी, ये कैसा आरोप है? वकील साहब, मैं समाज सेवा का काम करता हूँ। समाज सेवा? आप लोगों को मस्ती करने के नए नए तरीके बताते हैं, अपने ढाबे पर आप कॉन्डम का मेन्यू बांटते हैं। आप एक बात भूल गए हैं, डबल प्रोटेक्शन यानी दुगनी सुरक्षा के बारे में भी बताते हैं। कॉन्डम और डबल प्रोटेक्शन, दुगनी सुरक्षा, ये बात अदालत समझ नहीं पाई। मैं बाबा पहलवान की तरह ऐरा गैरा नथु खेरा नहीं, जैसा मैं एक डॉक्टर हूं। योर ऑनर, इस कॉन्डम को, मेरा मतलब है इस कॉन्डम बाबा को कहें कि कंट्रोल में रहें और हमारे बाबा पहलवान की सहनशीलता यानी कि शराफत को ललकारे ना। आप धमकी दे रहे? I'm sorry. आप वो डबल प्रोटेक्शन के बारे में बताइए। मैं अपने गाने की कुछ पंक्तियां सुना दूं, आप समझ जाएंगे। सुनाइए। बोले कॉन्डम बाबा, एक बात जरूरी कह लूं, अपने कॉन्डम के हैं दो जबरदस्त पहलू। एक तो ये अनचाहे गर्भ को होने ना दे और दूजा बीमारी फैलाने वाले जंतुओं को फैलने ना दे। यही है कॉन्डम बाबा की समझदारी की कक्षा। अपना लो कॉन्डम, पालो डबल सुरक्षा। वाह, वेरी गुड। आपको कुछ और सवाल पूछना? नो योर ऑनर, फिलहाल मेरे पास कोई और सवाल नहीं है। बाबा पहलवान आइए। नमस्कार जज साहब। नमस्कार जी। तो बाबा पहलवान जी, आपने अश्लीलता फैलाने, युवाओं को भड़काने, समाज को बिगाड़ने का जो आरोप मेरे क्लाइंट पर लगाया है, किस बिना पर? कोई सबूत है आपके पास? चारों तरफ सबूत ही सबूत है जी। और माफ करना, ये जो कॉन्डम बाबा है ना, ऐसे लोग समाज के लिए बहुत खतरनाक हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्डम का प्रचार करते हैं। हाँ जी भाई, आप सबसे कहोगे कि कॉन्डम का प्रयोग करो, कॉन्डम का प्रयोग करो, तो हमारे जो मासूम से, जो नाजुक से बच्चे हैं, वो तो भाग जाएंगे। अरे पागल हो जाएंगे वो सारे के सारे। कैसे भाई? कैसे कैसे? कॉन्डम का इस्तेमाल करने के लिए भागेंगे, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। ठीक है ठीक है ठीक है, मानिए कॉन्डम का प्रचार ना हो तो आपको क्या लगता है कि आपके ये जो मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं उसकी तरफ नहीं भागेंगे, उनकी मात्रा कुछ कम हो जाएगी? अब हमें उनसे क्या लेना मैडम जी? Point to be noted, Your Honor. कॉन्डम बाबा का प्रचार सिर्फ उन लोगों को संबोधित करता है जो यौन करना चाहते हैं या शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं। ये तो सिर्फ सावधानी और जिम्मेदारी निभाने की बातें करते हैं, वो भी उन्हीं की सुरक्षा के खातिर। इसमें क्या बुराई? अदालत ने ये पॉइंट नोट कर लिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, सुरक्षा के नजरिए से बात ठीक है, लेकिन उकसाना तो उकसाना होता है ना। इसे मस्ती कहना, मस्ती की टोपी कहना, छी छी छी, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही। वकील साहब, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कहूं कि मुझे ड्राइविंग करनी है या कोई भी ड्राइविंग करना चाहता है और उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप उसे क्या कहेंगे, उसकी तरफदारी करेंगे? हरगिज नहीं। एग्जैक्टली योर ऑनर, मेरे क्लाइंट कॉन्डम बाबा का प्रचार भी उस तरह ही है। जो दंपति औलाद नहीं चाहती, ये उनके लिए लाइसेंस की तरह है जो उन्हें गाड़ी चलाने भी देगा और साथ साथ इस बात का भी इंतजाम करेगा कि कोई अनचाहा एक्सीडेंट ना हो। मुझे तो इसमें कोई बुराई नहीं लगती।
क्यों वकील साहब? अब अगर एक्सीडेंट और लाइसेंस के नजरिए से देखा जाए तो कोई बुराई नहीं है। ओ, मेरा वकील होके दुश्मन की तरफदारी कर रहा है, ये तो वही बात हो गई कि मुर्गी को दाना दे हम और अंडा देगी पड़ोस के घर में। देखो जज साहब, योर ऑनर, मैं इस केस के पीछे की साजिश का पर्दाफाश करना चाहती हूँ। तो इस कॉन्डम केस के पीछे साजिश भी छुपी है? जी जी, प्लीज प्रोसीड। हाँ तो बाबा पहलवान जी, आपका जड़ी बूटियों का धंधा है? धंधा नहीं करते मैडम जी, चिकित्सा केंद्र है हमारा, चिकित्सा केंद्र। अच्छा ओके, चिकित्सा केंद्र जहाँ पर आप लोगों से पैसे लेकर उन्हें कुछ जड़ी बूटियाँ अंगूठियाँ वगैरह वगैरह दे। जी हाँ जी हाँ। योर ऑनर, फिर तो ये धंधा ही हुआ। जज साहब, इससे कह दे या तो चुपचाप हो जाए या मेरे पैसे वापस कर दे बस। बाबा पहलवान जी, क्या आप गर्भ निरोधक उत्पादक बेचते हैं? और बेचते हैं तो कैसे? हाँ, कभी गोलियां देते हैं, कभी पुड़िया देते हैं, कभी फूलमाला और कभी कभी तो मंत्र भी दे देते हैं। अच्छा, तो आपकी ये गोलियां, पुड़िया, फूलमाला, मंत्र कितने असरदार हैं? अदालत को बताएंगे परसेंटेज में, मतलब 10, 20, 50, 100? देखिए जी, इस तरह के काम का ना परसेंटेज की मात्रा हम बिल्कुल भी काउंट नहीं करते। यही साजिश है योर ऑनर। विश्व भर में किए गए अध्ययन रिसर्च से स्थापित होता है कि कॉन्डम अनचाहे गर्भ को रोकने में 95% असरदार है। मैं बाबा पहलवान जी से पूछना चाहती हूँ कि इनके ये जो नुस्खे हैं, गोलियां, पुड़ियां, मंत्र, ये कितने असरदार है, प्लीज अदालत को बताइए। ये तो मैडम जी पब्लिक की भावना है, उनका विश्वास है, जिसका बड़ी ही बेरहमी और बेपरवाही से फायदा उठाकर गांव की दीवारों पर बड़े बड़े इश्तिहार देते हैं, करेक्ट? ओहो, अब बात समझ में आई, ये जलता है मुझसे, क्योंकि पब्लिक तो नॉन कॉन्डम के साथ है ना, यानी कि हमारे। गलत, उनके विश्वास, उनकी मजबूरियों पर आप अपनी बेबुनियादी दवाइयों का तड़का लगाकर उन्हें बेवकूफ बनाते हैं। योर ऑनर, सही मायने में तो भड़काना बहकाना इसे कहते हैं, और ये ढोंगी बाबा मेरे क्लाइंट पर आरोप लगा रहा है। अरे बाबा पहलवान जी। हाँ जी, अब कौन सा नया धोखा देने आए हो जी? धोखा देने नहीं आया हूँ, नमक हलाली कर रहा हूँ। अभी भी केस वापस ले लो, नहीं तो चूड़ियाँ पहननी पड़ जाएंगी। चूड़ियाँ? हाँ, अगर कॉन्डोम बाबा ने आप पे उल्टा केस कर दिया ना, तो लोहे की चूड़ियाँ पहननी पड़ेंगी, यानी कि हथकड़ियाँ। गारंटेड अंदर जाओगे। अच्छा जज साहब, जब अपने ही पराये हो जाए तो गैरों से क्या सीखवा, अपना वकील ही अपने खिलाफ हो जाए तो क्या मुकदमा जीतूंगा मैं। अब ये सामाजिक कॉन्डम की तरफ जाना चाहता है तो जाए, हमें क्या, होने दो बर्बादी, हम तो चले। जय हो। अरे अरे बाबा पहलवान जी, इतना गुस्सा ठीक नहीं है, अरे बात सुनिए। ये केस डिसमिस किया जाता है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अब क्या हुआ योर ऑनर? कॉन्डम बाबा के साथ एक सेल्फी हो जाए। हाँ जी जरूर, आइए। May I come in, sir? आओ स्नेहा। बैठो। आपको मुझसे कुछ काम था सर? बहुत जरूरी काम। कहिए ना। स्नेहा समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहाँ भूल कर दी? सर आप किसी बात को लेकर परेशान हैं? अपने आप को लेकर परेशान हूं। जी सर। हिसाब लगा रहा था अपनी जिंदगी का मैं। जानती हूं मेरे रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? डॉक्टर जैन 40 साल की मेडिकल प्रैक्टिस के बाद लाइफ में फेल हो गई हूं। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सिर्फ इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आपकी बहुत इज्जत है। इसी का तो दुख है, मैं अपनी इज्जत को विरासत में नहीं बदल सका,
जब जब तुम मेरे सामने आती हो ये दुख बार बार सताता है मुझे। मैं सर पर तुम जानती हो दो बेटे हैं मेरे, दोनों डॉक्टर, दोनों मौका मिलते ही अपने देश को छोड़कर अमेरिका चले गए। पर सर इसमें आपका कोई दोष नहीं है। स्नेहा मैं भी तो अमेरिका जा सकता था ना, लेकिन नहीं गया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बनना एक आदर्श बनना है। हम सब जानते हैं हमारे देश में अच्छे डॉक्टर्स की कितनी कमी है। इतनी सी सीधी बात मैं अपने बेटों को ना समझा सका। सर आप ही कहते हैं ना कि हर इंसान को अपना रास्ता चुनने का हक है। हाँ वो भी है, लेकिन मेरे दोस्त माथुर को देखो, उसकी बेटी और क्या बनी हो। एक ऐसी डॉक्टर जो आदर्श का सही मतलब समझती है और उसे रोज जीती है। जानती है तुम्हारे तुम्हारे बाबूजी उनसे कितनी ईर्ष्या है मुझे? कैसी ईर्ष्या सर, दो बेटों के साथ आपकी एक बेटी भी तो है। उल्टा आपके माथुर जी को आपसे ईर्ष्या होती है। अच्छा देखिए मैं आपकी बेटी से कम हूं क्या? और फिर मेडिकल कॉलेज से लेकर आज तक आप ही ने तो मेरी उंगली पकड़कर मुझे सही रास्ते पर सर उठाकर चलना सिखाया है। बाबूजी ने मुझे सोचना सिखाया, पर ये जो डॉक्टर मैं बनी हूं ये तो मुझे आप ही ने बनाया है। उल्टा बाबूजी को आपसे ईर्ष्या होती है। दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। जब भी तुम्हें देखता हूं ना गर्व महसूस होता है। सर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। इस बात के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया था वो तो कहीं और ही रह गई। देखो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने ये फैसला लिया है कि मानवता अस्पताल का फुल चार्ज डॉक्टर स्नेहा माथुर यानी तुम्हें दे दिया जाए। सर मैं स्नेहा इस बात पर हम पहले भी बहुत चर्चा कर चुके हैं। देखो बहुत कम लोगों की जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब उन्हें समाज को बदलने की शक्ति सौंपी जाती है और तुम्हें मनाने की जिम्मेदारी इस बार मेरे हिस्से में आई है। नहीं सर आप मुझे मना नहीं रहे, मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आपके विरासत को आगे ले जाना आसान काम नहीं होगा। आगे तो कोई भी ले जाएगा स्नेहा, लेकिन तुम मानवता अस्पताल को एक नई दिशा में ले जाओगी, उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाओगी। मैं अपनी बेटी को पहचानता नहीं क्या? तब हां भी कह दो। हमने देखा डॉक्टर जैन इस बात को लेकर दुखी है कि वो अपने बेटों को अमेरिका जाने से रोक ना सके। उनका सपना था कि उनकी तरह उनके बेटे भी देश के बेबस गरीबों की सेवा में लग जाएं, पर ऐसा हो ना सका। लेकिन इससे डॉक्टर जैन की देश के प्रति भावना कम नहीं हुई। इस बात के मायने समझना हम सबके लिए जरूरी है। उन्होंने गरीबों की सेवा करने की जिम्मेदारी अब मुझे सौंप दी है। क्या मैं डॉक्टर जैन की अपेक्षा पर खरी उतर पाऊंगी? इसका जवाब मेरे पास आज नहीं है, मगर मैं इतना जानती हूं कि मैं जी जान से कोशिश करती रहूंगी, हर चुनौती का सामना करूंगी।
फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी।